क्या करूंगी, मैं भी ऐसे ही छुप के रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 इंच दालचीनी और छोटा सा 2-2 छोटा छोटा जावित्री है, इन सबका मैं सिलबट्टा पे पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर बना लें या मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे का स्वाद अलग होता है फ्रेंड्स। तो मैं बनाऊंगी सिलबट्टे पे पेस्ट, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर गरम मसाला पीस चुका है फ्रेंड्स, इसको निकाल लेते हैं और अब इन सभी चीजों का पेस्ट बनाएंगे। 1.5 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून धनिया, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 इंच तकरीबन अदरक है, 7 से 8 किलो मोटे वाले गार्लिक हैं, पतले वाले हो तो थोड़ा ज्यादा लेना। 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ले लिए हैं, डिपेंड करता है आप कितना तीखा पसंद करते हो, और चाहो तो यहाँ पर 2 से 3 सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हो, लेकिन मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करूंगी। तो इन सभी चीजों का पेस्ट बना लेंगे और सिलबट्टे पे पिसे हुए मसाले की बात ही कुछ और होती है। मेरे कौन कौन से फ्रेंड इस बात से एग्री करते हो, जो सिलबट्टे के मसाले जो होते हैं पिसे हुए, बहुत ही ऑसम होता है उसका टेस्ट, थोड़ा सा पाउडर मसाला से डिफरेंट हो जाता है फ्लेवर। तो मोस्टली मैं पीस के ही मसाला यूज करती हूँ फ्रेंड्स, और आज जो मैं चिकन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो पेठे के साथ बनाऊंगी। पेठा हम लोग कुमड़ा बोलते हैं, वैसे सफेद वाला जो पेठा आता है ना, जिसका मुरब्बा बनता है, उसके साथ चिकन करी बनाने जा रही हूँ। और चाहो तो आप आलू ऐड करो या आलू को स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरे घर कोई भी नॉन वेज बनाती हूँ उसमें आलू सबको बहुत पसंद है। तो चिकन के साथ मैं आलू और पेठा ऐड करूंगी, और जिसके लिए मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ, और ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत आफ्टरनून से हो रही है और आज है वेडनेसडे। तो ब्लॉग को शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, बस मसाला पीसती हूँ, फिर चिकन को मैरिनेट करूंगी, आगे आगे कुकिंग करूंगी। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मसाला पीस चुका है और थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन इसके टेस्ट की बात ही कुछ और है। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन अच्छी तरह से वॉश करके ले लिया है और मसाला पेस्ट जो बनाया था उसको ऐड कर देना है। 1 बड़ा सा प्याज भी ऐड कर देंगे, बस रफली चॉप कर लिया था प्याज को मैंने। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और फिर जाएगा इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी है फ्रेंड्स, तो मैं रेस्ट पे नहीं रखूंगी, साथ के साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है और 3 बड़े साइज के आलू को छील के बड़े बड़े पीसेज में कट कर लिए हैं। इनको नमक हल्दी के साथ फ्राई करके निकाल लूंगी। पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए इतना पकाना है, बाकी आलू चिकन के साथ पकेगा। तो ये देखिए नमक हल्दी के साथ थोड़ी देर इसको फ्राई करना है, और जब आलू पे अच्छा सा कलर आ गया तो इसमें पेठा ऐड करूंगी, एस गोड पेठा, जिससे मुरब्बा बनता है वो पेठा ऐड कर दिया है मैंने। पेठा को भी छील के बड़े बड़े पीसेज में कट कर लिए थे और बस 1 मिनट तक पेठा को भी आलू के साथ भून लिया था, फिर इसको निकाल लेना है। आलू और पेठा को फ्राई करके निकाल लेने के बाद बचे हुए तेल में 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 तेजपत्ता और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च का तड़का ऐड कर देना है। तड़का जब क्रैकल हो जाएगा, फिर 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कट करके मैंने ऐड कर दिए थे, और इसको हल्का गुलाबी होने तक सौटे कर लेना है। और फ्रेंड्स, आज है सासुती घर पे, तो सासुती पकड़ में आ गई है। मैंने सोचा आज स्टैंड लगा के शूटिंग नहीं करूंगी, आज सासुती कर देगी। आज सासुती दो फोन से शूट कर रही हूँ, एक मैं शॉर्ट्स के लिए शूट कर रही हूँ, एक मैं वीडियो के लिए शूट कर रही हूँ। जब भी सासुती कैमरा पकड़ती है तो शॉर्ट्स का वीडियो भी वो बनाती है, शॉर्ट्स का क्लिप भी वही बनाती है। तो दो दो मोबाइल इसके हाथ में होते हैं। ये देखिए बिहाइंड द स्क्रीन आपको दिखाती हूँ कैसे
कैसे सूटिंग हो रहा, कितना मेहनत पड़ता है फ्रेंड्स ये देखिए। और आप लोग लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियोस। मैंने सोचा आज सरस्वती को पकड़ लिया जाए, और देखिए कैसे करिए, दिखाओ। ये देखिए इस तरह से एक बन रहा है ब्लॉग के लिए और एक बन रहा है शॉर्ट्स के लिए। सरस्वती नहीं होती है तो इस तरह से शूटिंग होती है, ट्राइपॉड पे मैं यहाँ पर मोबाइल फिट करती हूँ और फिर मैं शूट करती हूँ। ऑफ करना ऑन करना तो मोबाइल पर भी, मतलब मोबाइल भी बहुत खराब होते हैं और काम भी बढ़ जाता है। और मम्मी की चलती फिरती ट्राइपॉड में हूँ फिर। हाँ है, तो फिर क्यों तो आज सास होती है तो ये काम बड़ा आसान हो गया, उसने कैमरा हाथ में पकड़ लिया तो झटपट से मेरा वीडियो बन जाएगा। तो सरस्वती आज पकड़ में आ गई है फ्रेंड्स सरस्वती के लिए, और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ जो मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उसके लिए ये रेसिपी है, तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। जो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, पनीर के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे शेयर करूंगी ये जो है ना एसगोट, उसको बॉयल करके उसकी ग्रेवी में डाल सकते हो, बहुत ऑसम बनता है। कभी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। पनीर को फ्राई कर लेना है और आलू को फ्राई कर लेना है, और ये एसगोट जो है ना पेठा उसको बॉयल करके थोड़ा सा प्यूरी कर लेना है, बहुत मस्त बनता है। प्याज जब हल्का गुलाबी हो जाएगा फिर मैंने जो चिकन को मैरिनेट किया था उसको इसमें ऐड कर देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फिर मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर सरस्वती बिल्कुल मस्ती के मूड में है फ्रेंड्स। हाँ अरे मैं सोचा मैं डांस कर लेती हूँ, क्योंकि एग्जाम से मैंने डांस नहीं किया तो इस वजह से उसका स्कूल स्टार्ट हो गया। स्कूल से आके ट्यूशन भी नहीं है आज, और खाना भी अच्छा बना रही है, तो मैंने बोला चलो आज पूरा ऐसे एंजॉय ना अच्छा से, मतलब सरस्वती का फेवरेट बन रहा है, कुछ भी अच्छा बना लूं अगर नॉन वेज नहीं होता है तो सरस्वती को ज्यादातर पसंद नहीं होता है। ठीक है मेरा थाई करी, थाई करी मेरा नॉन वेज से भी ऊपर है, लाइक आज ऐसे सब कुछ अच्छा बना रही हूं, मतलब मैंने सोचा कि ऐसा पार्टी वाला मूड। तो हां तो पार्टी वाला मूड हो रहा है, डांस हो रहा है सरस्वती का, कर लो कर लो करो, थोड़ा सा दिखा देते हैं मना कर रही है जो मैं जो डांस कर रही हूँ क्लिप नहीं बनाना, लेकिन चुपके से थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करती हूँ फ्रेंड्स चुपके से। I don't know when you kinda turn me upside down, it hurts and bring on one of my t-shirts so it smells like her perfume। मम्मी आपको मैं मना की थी ना, मत दिखाओ रहते हो तकरीबन 5 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर मैंने 2 टमाटर ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिए हैं, जस्ट 1/2 मिनट तक इसको सॉटे करना है। फिर मैंने जो आलू और कुमड़ा को फ्राई किए थे उसको भी ऐड कर दूंगी, एक बार मिक्स कर लेना है, और तकरीबन छोटे ग्लास से 1 ग्लास पानी भी ऐड करूंगी ताकि चिकन पैन से लगे नहीं। तो 1 ग्लास पानी ऐड करके एक बार मिक्स करके फिर ढक के इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक चिकन पूरी तरह से डन नहीं हो जाता। तो ये देखिए इधर चिकन को ढक के मैंने पकने के लिए रख दिया है, और इधर मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। आज मैं गोविंदो भोग राइस बना रही हूँ क्योंकि मोस्टली नॉनवेज के साथ मैं गोविंदो भोग राइस ही बनाती हूँ, इसका फ्लेवर हम लोगों को बहुत पसंद है। तकरीबन स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक चिकन को मैंने पका लिया था, चिकन और इसमें जो मैंने आलू कुमड़ा ऐड किया था ऑलरेडी पक चुका है, तो अब मैं इसमें गरम मसाला का जो पेस्ट बनाई थी उसको ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून घी भी जाएगा। लेकिन इस स्टेज पे आप एक बार ग्रेवी को जरूर चेक कर लेना, हम लोगों को थिक ग्रेवी चाहिए तो मैंने ग्रेवी अगेन ऐड नहीं किया था। आप चाहो तो चिकन के पकने के बाद थोड़ा सा ग्रेवी ऐड करके फिर से चिकन को पका के फिर गरम मसाला का पेस्ट और घी ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला का पेस्ट और ऑलरेडी घी ऐड कर दिए हैं, अब लास्ट में कोरिएंडर लीव्स जाएगा खूब सारा। इस रेसिपी में घी जरूर ऐड करना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declared.
किन किन को साउथ इंडियन ये वाला पापड़ पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। मेरे घर में सासुती को बहुत पसंद है, मुझे तो नॉर्मल जो लिज्जत का पापड़ आता है या मसाला पापड़ उड़द दाल वाला वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सासुती की चॉइस भी चलती है, तो आज मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। वैसे फ्रेंड्स फ्राइड पापड़ ही अनहेल्दी है, नहीं खाना चाहिए, इतना हेल्दी नहीं है, खास करके फ्राइड, लेकिन कभी कभार चलता है। This is not what I was asking for, but you got me here, then you disappeared. Was it always meant to be a dream, no insight? कैसा बना चुनू? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और चुनू हाथ से नहीं खाती है, मेरे घर में सब हाथ से खाते हैं, लेकिन इसको स्पून चाहिए ही चाहिए। और फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है, ट्राई करना। मतलब पेठे के साथ चिकन आप सबको अजीब लग रहा होगा, मेरे को भी लगा था, ये भी बोल रही थी मत बनाओ मम्मी, लेकिन सच में औसम बनता है। और बहुत जल्द आप सबको पेठे के साथ पनीर की रेसिपी भी शेयर करूंगी, आप बना के देखना, पनीर की रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है। और साथ में चल रहा है सीरियल, मम्मा का फेवरेट, मेरा फेवरेट सीरियल, पाकिस्तान के जितने भी सीरियल होते हैं ना, पाकिस्तानी सीरियल मुझे देखना बहुत पसंद है, तो वही देख रही हूँ। और साथ के साथ खाना भी चल रहा है फ्रेंड्स, अच्छा बना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, बोल रही थी मत बना मम्मी, मम्मी पेठा डालूगी कैसा बनेगा, लेकिन सच में बहुत अच्छा बना फ्रेंड्स। मम्मा मेरे को थोड़ा गलत प्रूफ कर देती है। और कभी कभी जब सुबट्टे पे मसाला पीस के बनाते हैं ना, तो उसका भी एक अलग फ्लेवर आता है, बहुत असम बना है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन सच में कैसा बना है इसके लिए आप सबको ट्राई करना पड़ेगा। जो मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, एक बार बस ट्राई करना जरूर, ऑसम बनता है। थोड़ा सा फ्रेश पुदीना लीव्स, अदरक तकरीबन 1.5 इंच, और ये देखिए 12 से 15 काली मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सौंफ। मैं 4 कप चाय के हिसाब से रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और जस्ट 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती। इनको 4 से 5 मिनट तक उबलने देना है। मोस्टली सासुती का ड्रेस जो है ना, हाथ से ही वॉश करती हूँ फ्रेंड्स, तो वॉश करके सुबह वही वॉश कर दिया था और रख दिया था साइड में पानी निचुड़ जाने के लिए। पानी अच्छी तरह से निचुड़ चुका है, तो इसको बाहर डाल देते हैं। लंच और डिनर के बाद ये वाली चाय तो मस्ट 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 है। तो अभी मैं और सासुती पियेंगे फ्रेंड्स ये पुदीने सौंफ काली मिर्च अजवाइन वाली चाय। आप सब भी जरूर ट्राई करना, एक बार लंच के बाद और एक बार डिनर के बाद। जिनको भी गैस की प्रॉब्लम है, हाजमे की प्रॉब्लम है, जरूर यूजफुल होगा फ्रेंड्स, तो ट्राई जरूर करना। अगर आपको अदरक सूट नहीं करता गर्मी में तो स्किप कर सकते हैं, मुझे सूट करता है तो मैं थोड़ा सा अदरक भी ऐड करती हूँ। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे और ब्लॉग को भी आज यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग या रेसिपीज पसंद आए हो फ्रेंड्स, तो लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात करना तो भूल ही गई फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरा ब्लॉग देखते हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। बाय बाय।